एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। क्या बोलते हैं? औसत, ठीक है। ये औसत क्या होता है? जैसे किसी भी नंबर्स का, बहुत सारे नंबर में एक नंबर निकालना वो औसत कहलाता है, यानी कि एवरेज कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में काम कर रहा है कोई लेबर, पहला दिन दो रोटी खाता है, दूसरा दिन तीन रोटी खाता है, चौथा दिन फिर चार रोटी खाता है, फिर उसके बाद डेढ़ रोटी खाता है आधा दिन। तो इस प्रकार से वो रोटी खाता है, पहले दो, फिर तीन, फिर चार, फिर 1.5, यानी कि डेढ़ रोटी खाता है। तो अगर हम, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो लेबर है, ठीक है, आपके घर में जो काम कर रहा है वो कितना रोटी खाता है, तो हम तो ऐसे नहीं बोल सकते कि पहला दिन दो रोटी खाता है, फिर तीन रोटी, फिर चार रोटी, फिर 1.5, यानी कि डेढ़ रोटी। तो हम एक औसत नंबर बोलेंगे, जैसे कि वो, हम बोल सकते हैं कि वो हर रोज तीन रोटी लगभग खाता है, ठीक है। तो यही ढेर सारे नंबर का एक नंबर जो निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं, ठीक है। एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आखिर ये होता क्या, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 10 है, 12 है, 8 है और 4 है, मान लीजिए चार नंबर हम लिए, ठीक है। अब इस चार नंबर पे क्या करना है? एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहला देखो, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसका सम करना है, तो यहां पे प्लस कर देंगे, ठीक है, बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा यहां पे? 1, 2, 3, 4, यहां पे लिखेंगे 4। इस तरह से कैसे होगा? तो 4 और 8 12 और 2 40, 40 और 4 कैरी 1, 1 और 1 2 3 34 बाय 4। इसका क्या निकलेगा? इसको डिवाइड करते हैं 8.5। ये जो 8.5 निकला, ये क्या निकला? ये हमारा एवरेज निकला, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे? एवरेज को निकालेंगे। अब जैसे एक्सरसाइज में हम आते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फाइव ऑड नंबर का एवरेज निकालना है। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन फर्स्ट फाइव ऑड नंबर बोला जाए, ठीक है। तो फर्स्ट फाइव ऑड नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे? तो ये दो प्रकार का होता है, एक जो हम फॉर्मूला से निकालेंगे और दूसरा होता है ट्रिक, वो ट्रिक हम बाद में बताएंगे। पहले देखते हैं इससे हम फर्स्ट फाइव ऑड नंबर को कैसे निकालते हैं। तो पहला जो है फर्स्ट फाइव ऑड नंबर है, ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 9 है। ये हमारा क्या फर्स्ट फाइव ऑड नंबर है, ये क्या हमारा ऑड नंबर है। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? सिंपल से एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 + 3 + 5 + 9, ठीक है, 12, सॉरी 7 होगा। कितना है? तो फर्स्ट फाइव बोला गया था, तो 1, 2, 3, 4, 5 देखिए 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है? 5। यहाँ पे क्या लिख दिए? 5 लिख दिए। अब इस फॉर्मूले में ऐड कर देंगे, ठीक है। 9 + 7 = 16, 16 और 5 = 21 और 3 = 24 एंड 1 = 25, तो क्या होगा? 25 है 5 = 5। ये जो 5 है निकला, क्या निकला? एवरेज निकला, ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें एक ट्रिक है, अगर वो ट्रिक अगर आप अच्छे से समझ जाओ तो फिर इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत आसानी सेकंड में हम किसी भी नंबर का, किसी भी ऑड नंबर का, ये ध्यान रखिएगा कि अभी हम ऑड नंबर के बारे में बता रहे हैं, तो ये जो ट्रिक अभी बताने वाले हैं ये ऑड नंबर के लिए, ठीक है। तो ये जो अभी ट्रिक बताएंगे ये ऑड नंबर के लिए, जितना भी ऑड नंबर बोला जाए, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 100 ऑड नंबर या 1000 ऑड नंबर, तो जो भी बोला जाएगा तो उसको कैसे निकालेंगे सेकंड में, कुछ ही सेकंड लगेगा, हमें क्या होगा? एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। और में क्या होता है, याद रखिएगा कि जितना भी नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए बोला जाएगा, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए बोला है फर्स्ट फाइव ऑड नंबर,
फाइव ऑड नंबर, ठीक है, फर्स्ट फाइव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में जितना का एवरेज निकालने के लिए बोलेगा हमारा आंसर वही होगा फाइव, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला गया फर्स्ट टेन ऑड नंबर तो हमारा आंसर क्या होगा टेन ऑड, ये ट्रिक है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ऑड नंबर में जितने नंबर का एवरेज निकालने के लिए कहा जाएगा वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं इसमें इवेन नंबर, ठीक है। तो जैसे अगर बोला जाए फर्स्ट फाइव इवेन नंबर, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट फाइव इवेन नंबर बोलेगा तो क्या होगा, इसके एवरेज निकालना है, तो टू फोर सिक्स एट एंड टेन, ठीक है, ये वन टू थ्री फोर फाइव, यानी फर्स्ट फाइव इवेन नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका एवरेज निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे सबको, ये क्या था वन, फर्स्ट फाइव है तो फाइव, क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव इज इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइव हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो जीरो एट एंड सिक्स कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे फोर्टीन का फोर, फोर्टीन का फोर एटीन, एटीन का टू ट्वेंटी, ट्वेंटी का जीरो कैरिंग कितना का टू, टू का वन थ्री, थ्री बाय फाइव, ठीक है। तो इसका जो हमारा एवरेज निकलेगा इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिक्स, ठीक है, तो इसका एवरेज कितना निकाल लिया हम सिक्स, ठीक है। तो ये निकला किसका इवन नंबर का, अभी जो हम बता रहे हैं ध्यान रखिएगा कि इसके पहले जो बताया था वो ऑड नंबर था और अभी जो बता रहे हो इवन नंबर है, इसका भी एक ट्रिक है, ठीक है, इसका भी ट्रिक है। इस ट्रिक का यूज करके हम बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में हम उसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, अब वो ट्रिक हम बताते हैं, ठीक है। जैसे कि इवेन नंबर के जब यहाँ पे बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा ट्रिक में कि इवेन नंबर को जितना नंबर ऑफ इवेन नंबर निकालने के लिए बोला जाए फर्स्ट फाइव इवेन नंबर तो फाइव को हम क्या मानेंगे एन मानेंगे, ठीक है। और ये इवेन नंबर के बारे में भी बता रहे तो इवेन नंबर में ट्रिक क्या होता है कि जितना नंबर का एवरेज निकालने के लिए बोला जाएगा उसमें क्या करना है वन प्लस कर देना वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आएगा। सपोज कीजिए कि फर्स्ट फाइव क्या था इवन नंबर, ठीक है, तो फर्स्ट फाइव इवन नंबर के लिए एन क्या हो जाएगा फाइव, तो फाइव प्लस वन इक्वल टू सिक्स, फर्स्ट फाइव इवन नंबर का आंसर क्या होगा यानी एवरेज क्या होगा वो क्या होगा सिक्स होगा, जो कि अभी हम कुछ दिन पहले देखें कि हमारा आंसर जो आया था वो सिक्स आया था। जिसे मान लीजिए फर्स्ट टेन जो है इवन नंबर है उसके एवरेज कितना होगा तो टेन प्लस वन इक्वल टू इलेवन, तो फर्स्ट टेन इवन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इलेवन, यानी कि ऑड नंबर में क्या था नंबर ऑफ जितना निकालने के लिए बोला जाएगा ऑड नंबर वो उतना ही आंसर होगा, लेकिन इवन नंबर में क्या हो रहा है ये ट्रिक में क्या हो रहा है n प्लस 1 यानी जितना निकालने के लिए बोला जा रहा है उसमें हम 1 ऐड करके आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं, एवरेज को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर इसमें बोला जाए कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर या फर्स्ट सिक्स नेचुरल नंबर को अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर ही लेते हैं तो पहला फाइव मैंने डिवीजन किया वो 1 2 3 4 एंड क्या होगा 5 होगा, ठीक है, ये फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, इसका एवरेज कैसे निकलेगा, यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 5 है, तो
14, 41, 15, 15 by 5, कितना आंसर हमारा 3, ठीक है, यानी कि एवरेज कितना निकला इसका 3 निकला है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 नेचुरल नंबर, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, अब इसका क्लिक करते हैं ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर है वो क्या है 3 है ठीक है चलिए आते हैं अब इसका ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि नेचुरल नंबर में ट्रिक का इस्तेमाल कैसे होता है नेचुरल नंबर में जितना नंबर ऑफ एवरेज निकालने के लिए बोला गया जितना नंबर ऑफ नंबर में ठीक है जैसे मान लो फर्स्ट 5 था तो n लिखने वाले हैं 5 होता है ये ध्यान रखना तो नेचुरल नंबर का ट्रिक जो है वो n प्लस 1 बाय 2 ये ध्यान रखिएगा n प्लस 1 बाय 2 अगर हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोला जाएगा तो फर्स्ट 5 का 5 प्लस 1 बाय 2 यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 बाय 2 इक्वल टू 3 देखिए इसके पहले जो आंसर आया था 3 ही था ठीक है अब जैसे मान लीजिए एक और बता रहा है कि फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर ठीक है तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 10 बाय 5 ये हुआ इसका आंसर फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का जो एवरेज निकलेगा वो कितना होगा 5 होगा इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं एक फार्मूला की तरह जो फार्मूला दिया गया है उस हिसाब से भी बना सकते हैं और जो ट्रिक का अभी हम बताए हैं वो बहुत ही सटीक ट्रिक है ये जो ट्रिक है ये आपको बुक में नहीं मिलेगा लेकिन अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत कम समय में इसके आंसर को हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम दे देते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज में कुछ है जैसे मान लीजिए एक गाय है ठीक है वो दूध देती है पहला दिन क्या करती है 15 लीटर दूध देती है ठीक है फिर क्या लीटर फिर 12 लीटर ठीक है फिर 13 लीटर ठीक है और फिर 12 लीटर तो इस प्रकार से डेज 1 में 15 लीटर डेज 2 में 10 लीटर 3 डेज में 12 लीटर 4 डेज में 13 लीटर और 5 डेज में 12 लीटर ठीक है इस प्रकार से या फिर इसी हम क्या कर सकते हैं 15 भी कर सकते हैं ठीक है तो मान लीजिए पांचवा दिन जो है वो 15 लीटर दूध देती है इसका एवरेज निकालना है एवरेज निकालेंगे क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है सबको जोड़ना है तो जब यहाँ पे 15 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 1 2 3 4 5 5 डेज का था इसलिए मैं 5 ले लिया 5 अब देखिए 5 और 3 8 और 2 10 10 और 5 15 15 और 5 कैरी वाला 1 और 1 2 3 4 5 6 ये 65 बाय 5 कितना हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 13 तो इसका जो आंसर आया एवरेज जो है वो हर दिन 13 लीटर दूध देती है कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमसे पूछे कि आपकी गाय कितनी दूध देती है तो हम ये इस प्रकार से नहीं बोल सकते पहला दिन 15 लीटर दिया था फिर 10 लीटर दिया फिर 12 फिर 13 फिर 15 हम एक अनुमान निकालेंगे यानी कि बहुत सारे नंबर से एक नंबर निकालते हैं कि वो रोज लगभग 13 लीटर दूध देती है तो इसे बोलते हैं एवरेज ठीक है तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर को बहुत आसानी से करेंगे और जो मैं ट्रिक बताया था उस ट्रिक को ध्यान रखिएगा आगे बहुत काम आएगा और ये बहुत कम समय में आप उसके आंसर को निकाल सकते हो थैंक यू